Hello, hello, hello. Hmm. नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर मैं हूं अंकित अवस्थी आप है मेरे साथ में 28 जून 2022 रियल न्यूज एंड एनालिसिस में जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है फिर चाहे आप यूपीएससी बैंकिंग रेलवे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो यदि वहां पर करंट अफेयर विद प्रॉपर एनालिसिस पूछा जाता है तो आप सभी का स्वागत है जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए सभी साथियों को लाइव आने का इनविटेशन भेज दीजिए पेन पेपर हाथ में रखिए इंडिया और वर्ल्ड का मैप साथ में रखिए और जानना शुरू करिए क्या कुछ खास है आज के सेशन में शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह जरूरी बातों से और आज के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी बन रही है वो है वो है रेफरल कोड के बारे में रेफरल कोड अंकित टेन को यूज करके अन अकेडमी पर आप टेन परसेंट के स्थान पर ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं अनकेडमी पर सत्ताईस से लेकर तीस तारीख के बीच में एस एस सी एंड यूपीएससी बोथ कैटेगरीज के, के अंदर अनलॉक ट्वेंटी ऑफर चल रहा है जिसमें आप अंकित टेन यूज करके कोर्सेज पर ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं बात हो एस एस सी कैटेगरी की तो वहां पर आपको ट्वेल्व मंथ का सब्सक्रिप्शन फिफ्टी सेवन ट्वेंटी रुपीज में दिया जा रहा है आप इसको परचेज करके मैथ रीजनिंग इंग्लिश और जितनी भी जरूरी टेस्ट सीरीज है कैटेगरी में उन्हें आप बारह महीने के लिए प्राप्त कर लेते हैं ठीक इसी प्रकार से यूपीएससी कैटेगरी के, के अंदर ऑफर ऑफर किया जा रहा है इसमें आप लोग 18 महीने का ऑफर उफ, जो है वो 63,000 में प्राप्त कर लेते हैं अनलॉक 20 का आप उपयोग करें 20 परसेंट डिस्काउंट प्रिलिम्स मेंस और ऑप्शनल तीनों की क्लासेस दोनों भाषाओं में विद प्रॉपर एनालिटिकल नोट्स एंड टेस्ट सीरीज के साथ में आपको उपलब्ध होता है आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं आवाज कब मुझे भी लग रही है करें क्या इसका हेलो 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 हेलो, मैंने आवाज बढ़ा भी ली

कुछ बढ़ाना करना है तो देख लो तुम एक बार चलो ठीक है मैं कोशिश करता हूं हो सकता है लोगों को सही आ रही हो ठीक है ना हाँ जी तो आज का मोटिवेशन है द ग्रेटेस्ट प्लेजर इन लाइफ इज डूइंग वॉट पीपल से यू कैन नॉट डू सही मायने में सबसे बड़ी जीवन की सफलता उसी में है जब लोग आपसे कहें कि आप ये नहीं कर सकते और आप वो करके दिखा दें क्योंकि अल्टीमेटली लोगों को गलत सिद्ध करने में जितनी खुशी मिलती है या फिर यू समझिए कि लोगों की सोच के विरुद्ध चल करके सफलता प्राप्त करने में जो खुशी मिलती है शायद वो कहीं और ना मिल पाए साथियों लोगों को गलत सिद्ध करने में सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब वो आपकी फेल होने का इंतजार कर रहे हो बहुत सारे आपके मित्र आपके साथी आपके जानने वाले आपके रिश्तेदार परिवार के कई ऐसे परिचित जो ये मानते हैं कि ये पढ़ाई नहीं केवल टाइम पास कर रहा है ऐसी घटनाएं मेरे मतलब इसलिए ये बात बताना चाहूंगा क्योंकि आपको लगता होगा कि आपके घर वाले जो है ना वो अति विशिष्ट प्रकार के हैं उनको कुछ पता ही नहीं है बस मतलब अंकित सर जो है इनके घर में तो सब कुछ सही होता होगा ऐसा नहीं है एक वाकया सुनाता हूं उसके बाद आपको ये बात पता चल जाएगी एक बार की बात है मैं कोटा में एक प्रतिष्ठित कोचिंग के अंदर पढ़ाया करता था ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाया करता था लेकिन पढ़ाते पढ़ाते एज यूजल जैसा आपने मुझे देखा है कि थोड़ा सेचुरेशन आ जाता है कोचिंग के अंदर पढ़ाने से कि यार सब्जेक्ट छोड़ने का मन किया मैंने कहा यार अब बहुत पढ़ा लिया आईआईटी के लिए अब एक काम करते हैं सब्जेक्ट चेंज करते हैं या फिर

क्योंकि इस चीज में बोरियत हो गई है करते करते एक ही चीज बार 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 करते करते बोरियत हो जाती है मुझे कई मेरे मतलब सगे संबंधी जो होते हैं उनके पूछने के अंदाज पर आज तक हंसी आती है उन्होंने मुझसे पर्सनली फोन करके पूछा उन कोचिंग वालों का नाम लेके आपको उनके साथ अगर कोई दिक्कत हुई हो तो हमें बता दो यदि उन्होंने आपको नौकरी से निकाल दिया हो तो हमें बता दो हम उनसे बातचीत करके आपकी नौकरी वापस पक्की करवा देंगे ऐसा मेरे साथ लाइफ में पहली बार नहीं हुआ है मल्टीपल टाइम हुआ है जब भी मैंने कोई एक काम क्योंकि मेरी आदत में है कि मैं किसी चीज की अपेक्स पे पहुंच के उसे छोड़ देता हूं कि या बस अब फील नहीं आ रही इसमें कुछ नया करने का मौका नहीं मिल रहा छोड़ देता हूं ऐसी स्थिति में बोले अगर आपको किसी ने निकाल दिया है तो बता दो हम आपकी बातचीत करके आपकी नौकरी फिर से पक्का करवा देंगे असल में वो ये नहीं जानना चाह रहे थे कि वो मेरी नौकरी पक्का करवा देंगे वो ये जानना चाह रहे थे कि ये खुद से नौकरी छोड़ा है या फिर इसको किसी ने नौकरी से निकाला है हो सकता है कि हमदर्द दर्द बन के मैं उनसे अपना दर्द शेयर कर लेता कि हाँ साहब मुझको तो नौकरी से निकाला गया है कृपया करके मेरी नौकरी लगवा दीजिए आज जब मैं उन लोगों को देखता हूं जब वो ये देखते हैं कि हाँ भाई ये जिस चीज के लिए निकला था वहां पहुंच गया है या फिर जिस चीज के लिए ये काम करना शुरू किया था कि इसको उस सब्जेक्ट में मजा नहीं आ रहा है दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू कर दिया है अब जब हमारे हमारे अपनी कैपेसिटी से असल में वो हमको हमारी योग्यता से नहीं नाप रहे होते वो खुद की योग्यता से हमें नाप रहे होते हैं उन्हें लगता है कि उनकी नौकरी ही जाती इसलिए इसकी भी गई होगी समझ रहे हैं आप आप अगर आज बड़ा सपना देख रहे हो मान लीजिए आपने आई बनने का सपना देखा तो लोग आपको इसलिए नहीं आखेंगे कि आप आई बन पाएंगे या नहीं उन्हें लगता है कि वो नहीं बन पाते अगर वो नहीं बन पाते तो ये कैसे बन पाएगा यानी उनकी अपनी योग्यताएं हैं हैं जो आपको आंकती ठीक है, है तो मुझे लगता है कि आप लोगों को गलत सिद्ध करके उस खुशी का एहसास जरूर करेंगे जो जीवन में बहुत काम की है ठीक है चलिए तो साहब नमन वेदानंद मिश्रा काव्या प्रियंका अनिरुद्ध अतुल अजय कोमल नूर प्रियांशु पुष्पा सलोनी नीलेश सभी साथियों को वेरी गुड इवनिंग जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए और भैया देखिए साउंड की बात हो तो मैंने सारी तरीके की कोशिश साउंड के लिए कर ली है इसके बावजूद भी अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो यार मैं केवल यही कह सकता हूं कि मैं अपने सिस्टम के अंदर साउंड बढ़ाने के जितने भी तरीके हैं उनको एक बार के लिए पूरी तरह से काम में ले लेता हूं ये यार मैंने सब सही तरीके से कर रखा है है ना और एकदम प्रॉपर आवाज है प्लीज कॉपरेट करें शुरुआत में आवाज कम थी मैं मानता हूं लेकिन अब ठीक है है ना चलिए सेशन को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए जानकारी शुरू करते हैं ठीक है ना आ, सुनाई आ रहा होगा मतलब शुरुआत में कम थी मैं मानता हूं क्योंकि उस समय कुछ टेक्निकल फॉल्ट था अब लेकिन सब सही है अच्छा वो पुरानी वाली वीडियो सुनाई देती होगी ठीक है ठीक है ठीक है हाल ही के अंदर पाकिस्तान के साथ में फ्रांस ने कुछ अच्छा कर दिया है अच्छा क्या कर दिया है न्यूज तो इस प्रकार से आ रही है जैसे कि फ्रांस ने लोन ही माफ कर दिया हो जबकि ऐसा नहीं है पाकिस्तान को फ्रांस ने थोड़ी राहत दे दी है क्यों दी गई है ये राहत क्या फ्रांस और पाकिस्तान के रिश्ते सही हो गए हैं क्या फ्रांस पाकिस्तान से दोस्ती कर रहा है वो फ्रांस जो कि भारत का बहुत अच्छा मित्र है क्या वो पाकिस्तान के साथ में हाथ बढ़ाकर भारत का काउंटर तैयार कर रहा है आइए आज के सेशन में जानने का प्रयास करते हैं क्या है पूरी न्यूज थोड़ा सा समझिएगा न्यूज है कि फ्रांस ने 107 मिलियन डॉलर का ऋण जो कि दिया था पाकिस्तान को उसको लेने में डिले कर दिया है कहा है कि थोड़ा जब तुम्हारे पास हो जाए तब चुका देना बड़ा सवाल बनता है कि सर एक बात बताइए इतना समय तक मतलब लोन चुकाने की बात इन्होंने कही है जब तुम्हारे पास हो जाए तब चुका देना लॉजिक क्या है कहानी का समझने का प्रयास करते हैं हर उस पहलू का जिक्र करते हैं जिसके चलते हमें लगता है कि फ्रांस और पाकिस्तान की दोस्ती हो गई होगी आइए जानते हैं फ्रांस ने एक एग्रीमेंट साइन किया पाकिस्तान के साथ और कहा कि सस्पेंड इट्स लोन वर्थ यूएस वन जीरो सेवन मिलियन फ्रांस सस्पेंड पाकिस्तान वन जीरो सेवन अब देखिए यहां पर सस्पेंड शब्द है सस्पेंड का अर्थ ये नहीं होता कि आपसे यह कहा गया है कि आपका लोन जो है वो माफ कर दिया गया है निलंबित कर दिया गया है मतलब आज चुकाने वाले थे लेकिन तुम्हारे पास पैसा नहीं है कुछ दिनों बाद चुका देना दैट इज सस्पेंशन तो पहले तो दिमाग में से ये निकाल दीजिएगा कि लोन माफ हो गया है, है ना लोन माफ नहीं हुआ है लेकिन फिर भी आप पूछेंगे सर ये तो पाकिस्तान वही है जिसने फ्रांस के विरोध में चार्ली एब्डो के विरोध में जो उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद का कार्टून बनाया था उसके विरोध में फ्रांस के खिलाफ जबरदस्त किया था ये तो पाकिस्तान वही है जिसने फ्रांसीसी राजदूत को अपने यहां से निकालने का मन बना लिया था ये तो पाकिस्तान वही है जिसने ये कहा था कि अगर फ्रांस माफी नहीं मांगेगा तो हम फ्रांसीसी उत्पादों का ही बाइकॉट कर देंगे प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून के ऊपर तो सर ऐसी स्थिति के अंदर ये जो बात बनकर आ रही है कि पाकिस्तान ने इनका लोन जो है फ्रांस ने सस्पेंड कर दिया है फ्रांस ने सस्पेंड कर दिया है तो क्या इनके रिश्ते थोड़े आसान हो गए हैं क्या जी नहीं अब थोड़ा सा टेक्निकल टर्म पर चलिए न्यूज तो सुन लिया आपने अब ध्यान से सुनिएगा साथियों पाकिस्तान और फ्रांस ने एक एग्रीमेंट पर साइन किया लेकिन यह एग्रीमेंट असल में जी का डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव है अब इस टर्म को याद कर लीजिएगा ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको इसलिए भी इसे समझदारी से समझना चाहिए क्योंकि इंडिया इज ए जी ट्वेंटी मेंबर ठीक है इधर सुनिए क्या लिखा है जी ट्वेंटी डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव इस शब्द को थोड़ा सा सही से समझ लीजिएगा भाई डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव मतलब डेट का मतलब हुआ कर्जा सर्विस सस्पेंशन आपको डेट की सर्विसिंग करनी है सर्विसिंग का मतलब होता है चुकाना अगर डेट को चुकाना है तो उसका सस्पेंशन इनिशिएटिव यानी कि यह है एक प्रकार की मुहिम है जो जी ट्वेंटी देशों ने शुरू की थी कोरोना काल में क्या मुहिम शुरू की थी कोरोना काल के अंदर जी ट्वेंटी देशों ने मिलकर के एक वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की मदद से एक कसम खाई कसम क्या खाई कि यार देखो इस कोरोना काल में बहुत सारे गरीब देश ऐसे हैं जिन्होंने जी ट्वेंटी देशों से लोन लिया हुआ है लेकिन चूंकि भूख के हालात हैं, कोरोना के हालात हैं, दवाइयां मिल नहीं रही हैं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये लोग लोन चुकाते चुकाते दिवालिया हो जाएं। क्यों ना जी ट्वेंटी कसम खा लें कि जब तक स्थितियां सामान्य ना हो हम इनका लोन की जो अवधि है मान लीजिए बीस साल में लोन चुकाना था उसे पच्चीस साल कर दें या हो सकता है कोरोना काल में किसी की किश्त जानी थी ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे साथ भी बैंकों ने किया था कोरोना काल में लोन की किस्तें माफ कर दी थी यह कहा था कि आप इन महीने किस्त मत चुकाइए इसके बाद में चुका देना कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको मालूम होगा ना उस समय पर भी इंडिया में भी बैंकों ने राहत दी थी तो दुनिया भर के देशों ने बड़े देश जी ट्वेंटी नेशंस ने गरीब देशों के लिए जैसे कि पाकिस्तान इनके लिए एक फैसिलिटी दी फैसिलिटी ये दी कि कोई बात नहीं अगर ये लोन नहीं चुका पाते तो थोड़ा समय दे दो ये है न्यूज

तो ये डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव क्या है एक बार के लिए समझ लीजिए एट द इंस्टेंस ऑफ पेंडेमिक वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने जी से आग्रह किया था कि वो डी यानी डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव शुरू करें, जिसके तहत और ये कब स्थापित हुआ था मई 2020 में तो ये तथ्यात्मक जानकारी है इसे आप याद कर लीजिएगा मई 2020 के अंदर डी इनिशिएटिव शुरू हुआ था तिहत्तर एलिजिबल कंट्री में 48 देशों को यह ऑफर अभी तक किया जा चुका है यानी इतने देशों, देशों की डेट सर्विसिंग की जा चुकी है ठीक है ना यानी एक प्रकार से आप यू समझ लीजिए कि इस प्रकार के इम्प्लीमेंटेशन से बहुत सारे देशों को लाभ हुआ है ये तमाम वो देश हैं लिस्ट में जो आपको दिख रहे हैं जिसमें कि अंगोला मोजाम्बिक कॉन्गो और चौथे नंबर पर पाकिस्तान दिखाई पड़ता है यानी कि जिसे इस इनिशिएटिव से फायदा हुआ हो इसका भी लोन जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया हो कि छह साल बाद तुम चुका देना तो इस बात की भी हालांकि पाकिस्तान में खुशी मन रही है कि हमारा कर्जा जो है वो बाद में चुकाने का हमें मौका दे दिया गया है अगर हम टोटल आपको अमाउंट बताएं कि इस डेट के अंतर्गत जो सस्पेंशन हुआ है डीएसएसआई फ्रेमवर्क के तहत वो मई 2020 से लेकर के दिसंबर 2021 के बीच में छह सौ मिलियन डॉलर है यानी इन देशों ने जो लोन सस्पेंड किया है पाकिस्तान से नहीं दुनिया भर के देशों से जो लोन सस्पेंड किया है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं छत्तीस मिलियन डॉलर का लोन सस्पेंड किया गया है पाकिस्तान को ऑलरेडी पाकिस्तान ने इस, इस तरह के लोन सस्पेंड कराने के लिए ऑलरेडी में एग्रीमेंट के ऊपर साइन कर लिया है जिसमें 21 बाइलेटरल एग्रीमेंट साइन किए गए हैं जो कि जी ट्वेंटी डी फ्रेमवर्क के तहत कार्य करते हैं और इस प्रकार से इसे भी बहुत ज्यादा लाभ होगा लोन चुकाने में इसे काफी राहत मिलेगी पाकिस्तान पर कितना लोन है हालांकि ये आपका जानने का विषय नहीं है बस इसमें इतना जान लीजिए कि पाकिस्तान ने 2011 से लेकर 2020 के बीच में जो कुल कर्जा है इसके ऊपर उसका चौदह परसेंट इसने लिया है और उसमें से लास्ट बाईस कर्जा लिया जब इमरान खान की सरकार हुआ करती थी हालांकि इमरान खान को दोष देने से बेहतर है कोरोना भी इनके साथ में लगा हुआ था जिस प्रकार से फ्रांस ने इनके साथ एग्रीमेंट किया आप ये ना समझे कि फ्रांस नजदीक आ गया है इसी प्रकार से जापान ने भी इनको राहत दी थी देखिए यहां पर आप न्यूज पढ़ सकते हैं ये है द ट्रिब्यून की न्यूज जिसके अंदर कहा गया है कि डेट रिकनसेशन एग्रीमेंट जो है वो और भी देशों के द्वारा इनके साथ में किया गया है आप ये देख सकते हैं जापान जापान की एक इंटरनेशनल इंटरनेशनल एजेंसी एजेंसी है है जिसका नाम है जीका जापान Agency, जून 16 को उसने भी इनका एक सौ मिलियन डेट जो है उसको सस्पेंड कर दिया है अगले छह साल के लिए यानी कि अगले छह साल बाद तुम लोन चुका देना ऐसा इनको कहा गया है ठीक है ना ऐसे ही आप एक न्यूज और देख सकते हैं जिसमें सऊदी अरब ने 846 मिलियन डॉलर का जो लोन है उसको चुकाने की कहा है कि इसे आने वाले छह साल के अंदर चुका देना सऊदी अरब भी जी ट्वेंटी है जापान भी जी ट्वेंटी है चीन भी जो कि जी ट्वेंटी मेंबर है लेकिन वो लोन को छह साल बाद लेगा या नहीं ये तो नहीं पता लेकिन वो गिलगिट बाल्टिस्तान जो कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है उसे मांग रहा है और हमने इसके ऊपर सेशन भी किया था कि क्या पाकिस्तान अपने गिलगिट बाल्टिस्तान वाले हिस्से को चीन को सौंप देगा ये मैंने आपसे चार दिन पहले कहा था क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनका आरोप है कि ऐसा काम पाकिस्तान कर सकता है ठीक है ना ये न्यूज क्यों जाननी थी डी एस के लिए जाननी थी कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान और फ्रांस के बीच दोस्ती बढ़ गई और आप जो है रात भर सो नहीं पाए कि सर ये क्या हो गया है ठीक है ना हाँ जी बहुत से विद्यार्थी अभी भी साउंड साउंड लिख रहे हैं जो साउंड की प्रॉब्लम बता रहे हैं हो सकता है कि उन्हें तुलनात्मक रूप से आवाज कम लग रही हो मेरी तरफ से मैं बेस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूं हालांकि जितनी आवाज जानी चाहिए अब बात यही है कि मैं यहां से करूं तो आवाज जाएगी कोशिश करूं यहीं से करने की और क्या करूं हाँ परेशान हो जाऊंगा ना अब करते हैं भाई अब क्या कर सकते हैं देखो इसमें क्या किया आज वहां तक आ नहीं रहा है रेड तक पहुंच जाता था मेरे बोलते बोलते एक तो या करना करना है ना? आगे बढ़ते हैं सुनने में तो कोई बात नहीं आज आप रेस्ट कर लीजिए मैं अपना काम कर लेता हूं क्योंकि टेक्निकल चीजें हैं इनमें ना तो मेरा कंट्रोल है ना आपका कंट्रोल है मैं अपनी ड्यूटी निभा लेता हूं है ना चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों आप सभी को मालूम होगा हाल ही में कुछ दिनों पहले जो ब्रिक्स का समिट हुआ था जिसमें मैंने पुतिन के बारे में आपको बताया था कि पुतिन ब्रिक्स की समिट में बोले थे अब जानकारी निकल के आ रही है, है। साथियों ब्रिक्स ब्राजील रूस इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका का बना हुआ गठबंधन जो कि अपने आप में लगभग 3.2 बिलियन जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है दुनिया की लगभग लगभग आधी जनसंख्या जिन देशों के साथ निवास करती है उन देशों के गठबंधन में ईरान भी शामिल होने की चर्चा कर रहा है ईरान ही नहीं अर्जेंटीना ने भी परमानेंट मेंबरशिप के लिए आवेदन किया है क्या हम ये मान लें कि एंटी अमेरिका सेंटिमेंट डेवलप किया जा रहा है या हम ये मान लें कि रशिया और चाइना के साथ मिलकर भारत भी एक ऐसे ग्रुप में बैठ रहा है जो कि अमेरिका के विरोधियों का है क्योंकि ब्रिक्स में ऑलरेडी रशिया और चाइना तो पहले से ही वो देश हैं जो कि अमेरिका की पूरी खिलाफत पर हैं और आप देख भी सकते हैं वहीं इनके साथ ईरान जो कि कंट्री है उसने भी आवेदन किया है मायने बहुत हैं इस बात के आइए इस बारे के बारे में चर्चा करते हैं रिसेंटली जो सुर्खियां हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं ईरान और अर्जेंटीना ने हाल ही में अप्लाई किया है क्या न्यूज है आइए जानते हैं आपके सामने ये न्यूज है साथियों ईरान अप्लाइज टू ज्वाइन बिग्स इमरजिंग कंट्रीज उसने अपने आप को यहां पर ऐसे इमरजिंग कंट्री दिखाया है कि हम नए देश के रूप में निकल कर आ रहे हैं हमें साथ में लीजिए विद्यार्थी को सजेशन दे रहे हैं सत्यम प्रताप लिख रहे हैं अगर हम ही लोग साउंड बढ़ा लें तो सही से सुनाई दे रहा होगा ठीक है ना साउंड सही है ना चलिए बहुत बढ़िया तो साथियों यहां पर क्या है ईरान अप्लाइज टू ज्वाइन ब्रिक्स ग्रुप ऑफ इमर्जिंग कंट्रीज ईरान अप्लाई टू ज्वाइन ब्रिक्स ग्रुप ऑफ इमर्जिंग कंट्रीज आप यहां पर देख सकते हैं यानी तमाम बड़े अखबारों ने इस घटना को कवर किया है दैट इस घटना का को कोई तो मीनिंग है जिन्हें ब्रिक्स के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बताना चाहूंगा लेकिन कमेंट में पूछना चाहूंगा वो कौन व्यक्ति था जिसने सबसे पहले ब्रिक्स की अवधारणा दी थी कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये जो शब्द है ब्रिक्स ये किसने कॉइन किया था कॉइन का मतलब समझ गए किसने इस शब्द का जन्म दिया था ये इसका नाम कुछ और भी हो सकता था और भी नाम कैसे हो सकता था आर पहले लगा देते रिब, रिब्स हो सकता था इसका नाम आर आई सी बी कुछ भी हो सकता था है ना मतलब कुछ भी नाम बनाया जा सकता था लेकिन ब्रिक्स ही नाम बनाया गया कौन था वो व्यक्ति जिसने सबसे पहले ये सजेशन दिया था कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ठीक है चलिए तो आइए मेरे प्यारे साथियों जिम ओ नील ने बिल्कुल यहां पर पॉइंट आंसर सही आ चुका है जिम ओ नील ने सबसे पहले यह सजेशन दिया था कि क्यों ना ये देश साथ आकर के अपनी सुविधाओं को ध्यान में रखकर एक गठबंधन बना ले इसी का परिणाम निकला क्या परिणाम निकला कि वर्ष अब देखिए यूएन के अंदर ये सब लोग मिला करते थे तब जिम ओ नील ने जो कि एक, एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर समझिए कि थिंक टैंक के रूप में काम करने वाले व्यक्ति थे उन्होंने सबसे पहले अपने द्वारा यह सलाह दी कि क्यों ना ये सब लोग मिलकर के आपस में एक ग्रुप बना लें यह समय था 2006 का सितंबर 2006 के अंदर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो सिक्सटी फर्स्ट जो बैठक थी उसके अंदर ये जो ब्रिक शब्द है इसमें एस फॉर साउथ अफ्रीका नहीं था इसकी कल्पना की गई थी जिम ओ नील के द्वारा यह पेपर में बहुत ही वन लाइनर क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है लेकिन इन लोगों ने मिलकर के पहली बार जो सभा करी वो 2009 में करी 2006 के अंदर कल्पना की गई कि ये सब लोग एक साथ मिल जाएं जिस प्रकार से क्वाड के बारे में आज आप चर्चा करते हैं है ना ऐसे ही ब्रिक की चर्चाएं 2006 से शुरू होती हैं लेकिन पहली ब्रिक समिट जो है वो कब हुई 2009 के अंदर हुई उस समय यहां पर जो लोग शामिल हुए उसमें भारत भी शामिल था और भारत की तरफ से प्रणब मुखर्जी शामिल हुए थे कहां पर ये स्थापित की गई थी तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जब बैठक चल रही थी वहीं पर ये पांचों देश आपस में फिर मिल गए और इन्होंने कहा कि चलिए हम कुछ बनाते हैं ठीक है आपको मालूम होगा मैंने आज से, आज से तेईस तारीख के दिन मैंने ये सेशन पढ़ाया था जिसमें पुतिन के बारे में बताया था कि पुतिन ने हाल ही में एक एजेंडा ऑन ब्रिक्स समिट फोरम के ऊपर डायलॉग के अंदर मतलब डायलॉगबाजी की थी आकर के बयान दिए थे उस सेशन के दौरान मैंने आपको बताया था कि ब्रिक्स ग्रुप में सून चाइना चाइना ने उस समय कहा था यह न्यूज मैंने तेईस तारीख को तो पढ़ाई थी मैंने आपको बताया था अब देखिए तारीख को मैंने पढ़ाई थी और उसमें मैंने रेफरेंस लिया था और मैंने आपसे यह कहा था कि ब्रिक्स ग्रुप में सून एक्सपेंड से चाइना चाइना का कहना है कि ब्रिक्स के ग्रुप जो है वो और बड़े हो सकते हैं क्योंकि इस बैठक की ये वाली जो बैठक हुई थी इसकी अध्यक्षता चाइना के द्वारा ही की गई थी बाईस जून को यह बैठक हुई थी हमने आपको यह न्यूज तेईस जून के दिन पढ़ाई थी 23 जून को न्यूज पढ़ाई थी कि यह बड़ा हो सकता है जब बैठक चली तो 22 जून जून की रिपोर्ट हमने 23 को पढ़ाई आज आप लोग 28 जून में चल रहे हैं न्यूज आ रही है कि ईरान ने इसको ज्वाइन करने के बारे में कहा है इसका मतलब तो आप समझ सकते हैं कि अगर चाइना ने उस समय कहा था कि लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो यह न्यूज सही थी ठीक है ना तो ब्रिक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप इतनी जान लीजिए 2021 की अगर हम बात बताएं तो लगभग 3.2 बिलियन पॉपुलेशन दुनिया की 42% आबादी जो है ना वो इन ब्रिक्स देशों में निवास करती है इसके साथ-साथ दुनिया का 30% क्षेत्रफल इन पांच देशों के पास है इसी के साथ-साथ जीडीपी साथ के अंदर अगर हम बात करें तो दुनिया की 26% जीडीपी यानी 24 ट्रिलियन ऑफ वर्ल्ड जीडीपी जो है ना वो किसके पास में है इन ब्रिक्स कंट्रीज के पास में है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर बात करें तो तीन ट्रिलियन डॉलर का ये एक्सपोर्ट और रशिया एक नहीं है जिसमें जिस इंडिया नहीं है जिसमें साउथ अफ्रीका नहीं है जिसमें क्या बोलते हैं ब्राजील नहीं है जी सेवन वर्सेस ब्रिक्स की तुलना की जाए ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप तैयार कर लीजिएगा क्योंकि हाल ही के अंदर जर्मनी में जी सेवन की बैठक हुई थी और उस जी सेवन की बैठक में जो इनिशिएटिव लिए गए वो चाइना विरोधी थे लेकिन ब्रिक्स जो कि अपने आप में जी सेवन को काउंटर करने के लिए पर्याप्त है आपसे भविष्य में यह सवाल पूछा जा सकता है कि क्या जी देखिए जी सेवन में केवल सात ही देश नहीं अपितु यूरोपियन यूनियन भी पार्टिसिपेट करता है विचार करिए अगर ब्रिक्स के साथ भी अगर ऐसे ही देश शामिल हो जाएं तो यह गठबंधन एक बहुत बड़े गठबंधन के रूप में निकल कर आ जाएगा यह जानकारी आपको पता होनी चाहिए ईरान ने अपने द्वारा इस बात को कंफर्म कर दिया है कि विद ह्यूज पॉसिबिलिटीज एंड इनोवेशन हेयर बाई पाथ फॉरवर्ड डेवलपमेंट ग्लोबल हम लोग इसकी तैयारी में आगे बढ़ रहे हैं यह जानकारी आपको यहां निकल करके आ जाती है ईरान ने कहा है कि हमने अपने द्वारा एप्लीकेशन सबमिट कर दी है एज एन इमर्जिंग इकोनॉमी ब्रिक्स में शामिल होने के लिए मंडे को उन्होंने इस बात को कंफर्म कर दिया है उम्मीद है आप लोगों को यह बात प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए रशियन न्यूज एजेंसी ने अपने हवाले से बताया कि केवल ईरान ने ही नहीं अर्जेंटीना ने भी अप्लाई किया है ज्वाइन करने के लिए ब्रिक्स समिट को परमानेंटली हालांकि उसके बाद इसका नाम क्या होगा यह नहीं पता लेकिन एक बड़ा सवाल बनता है कि सर एक बात बताइए कोई भी देश ब्रिक्स को ज्वाइन कैसे कर सकता है तो यहां पर जरूरी बात यह है

पाकिस्तान को बुलाया नहीं गया और ये इसकी बेहकर बेजती हुई मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा सुन लीजिएगा मैंने आपसे सवाल पूछा कि क्या पाकिस्तान ब्रिक्स समिट के अंदर परमानेंट मेंबर बन सकता है क्योंकि चीन उसमें शामिल है तो क्या पाकिस्तान को ला सकता है इसका एक ही तरीके से आप आंसर सुन लीजिए जैसे जी सेवन देशों के अंदर भारत को इनवाइट किया गया ऐसे ब्रिक्स समिट में और देशों को इनवाइट किया गया था लेकिन जब बात पाकिस्तान की आई तो आप इधर देख सकते हैं पाकिस्तान को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया। कर दिया गया गया उसे ब्लॉक कर पाकिस्तान पार्टिसिपेशन ब्रिक्स डायलॉग ब्लॉक्ड बाई वन मेंबर ऐसा पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का कहना था पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के द्वारा कहा गया कि हम लोगों को बुलाया तो गया था वहां पर लेकिन एक देश ने वीटो कर दिया तो वो नन अदर देन इंडिया ही था जिसने साफ साफ कहा कि हम इसे नहीं आने देंगे क्यों नहीं आने देंगे क्योंकि हम ये देख लीजिए रिग्रेटेबली वी आर ब्लॉक्ड बाय वन पार्टिसिपेंट नन अदर देन इंडिया तो एक तरह से ये समझ लीजिए तो जब सवाल ये बनकर आता है कि ब्रिक्स को, को कोई कैसे ज्वाइन कर सकता है तो आंसर है सर्वसम्मति से सर्वसम्मति से मतलब जो ये पांचों देश किसी एक देश के लिए तैयार हो जाएंगे कि हाँ उसे ज्वाइन करा लो बिल्कुल वैसे ही जैसे यूरोपियन यूनियन के केस में है मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था यूरोपियन यूनियन के केस में कि यूरोपियन यूनियन में यूक्रेन ने अप्लाई किया था मालदोवा ने अप्लाई किया था दोनों की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है लेकिन 27 देशों की पार्लियामेंट भी जब इसे अलाउ कर देगी तब जाकर के वो एंट्री करेगा बिल्कुल वैसे ही यहां पर पार्लियामेंट का तो रोल नहीं है लेकिन ब्रिक्स के देश जो हैं वो अपने द्वारा अगर सहमति दे दें

ब्रिक्स कर रहा है या जी सेवन कर रहा है क्योंकि रिसेंट डेज में जी सेवन की भी बैठक हुई बड़ा सवाल यह बना कि इन दोनों में से कोई सही मायने में रिप्रेजेंट कर रहा है वर्ल्ड को तो आंसर निकल कर आया कि ब्रिक्स में 3.2 बिलियन पॉपुलेशन निवास करती है वहीं जी सेवन में 777 मिलियन करती है दुनिया की 42 परसेंट पॉपुलेशन रखने वाले जो हैं वो मतलब दुनिया का नेतृत्व करेंगे या फिर ये सात लोग करेंगे और अगर ये सात लोग करते हैं तो आर्थिक दृष्टि से नेतृत्व ना तो दुनिया ने पहले कभी स्वीकार किया है ना अब किया जाएगा हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये जी सेवन समिट में पहुंचे थे तो अर्जेंटीना के साथ बातचीत की थी क्योंकि अर्जेंटीना ने भी ब्रिक्स को ज्वाइन करने के बारे में कहा है आप यहां पर मोदी जी का ट्वीट देख सकते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए सभी प्रकार के स्ट्रॉन्ग कॉपरेशन एक दूसरे के साथ जुड़कर विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए तैयार हैं यानी अर्जेंटीना को भारत भी अपने साथ शामिल करने के लिए चाहता है अर्जेंटीना बांग्लादेश इंडोनेशिया मैक्सिको टर्की इन सबने जबरदस्त तरीके से अपना इंटरेस्ट शो किया है ब्रिक्स समिट को ज्वाइन करने के प्रति ब्रिक्स की मेंबरशिप कौन कौन चाह रहा है दोबारा से सुन लीजिए अर्जेंटीना बांग्लादेश इंडोनेशिया मैक्सिको और टर्की इन सबका कहना है कि हमें भी एंट्री दे दो किसके अंदर आप जी ये ब्रिक्स समिट के अंदर हमें भी पर्टिकुलर मेंबर बना लो वहीं दूसरी और इजिप्ट ईरान नाइजीरिया सूडान सीरिया और साथ में पाकिस्तान ने भी हाल ही में अपना इंटरेस्ट ब्रिक्स में शामिल होने के लिए साथ मतलब शो किया है यानी एक प्रकार से अगर ये लोग शामिल हो जाते हैं तो ये सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज जैसे कि नाम के अंदर हुआ था नॉन अलाइन मूवमेंट के अंदर कुछ वैसा हो जाएगा फिर वही वाली बात टीम ए की स्थान पर टीम बी बन जाएगी जो ज्यादा पावरफुल नहीं रहेगी क्योंकि इनके अपने अपने ही संकट काफी हैं हैं ये ये देश जुड़ भी जाएंगे तो मिलेगा क्या मान लीजिएगा कि 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 अगर हम ये कहते हैं जैसे ईरान ने कहा कि हमें जोड़ लो नाइजीरिया ने कहा सूडान ने कहा सीरिया ने कहा पाकिस्तान ने कहा ये तो उल्टा पनौती और लेकर आएंगे क्यों क्यों लेके आएंगे क्योंकि जो ब्रिक्स की बैंक है वो फिर इनको लोन देने के लिए परेशान रहेगी कि इनको कर्जा दे दो बेचारों को जबकि ऐसा है नहीं उसका उत्थान करने के लिए निर्माण किया गया है ठीक है ना तो यह लोगों को समझ में देर से पूछ रहा है में लिखते जो आपको ऐसा लगे कि आपको नहीं आता है बस आप छह महीने लगातार क्लास पढ़ लेंगे तो टाइटल्स वापस आने शुरू हो जाते हैं जो मेरे पुराने विद्यार्थी हैं जब उन्होंने लास्ट टाइम जी पढ़ा था और आज दोबारा जी आया तो उन्हें बहुत अच्छे से याद था मैंने कल के सवाल के अंदर ही पूछा था मैंने पूछा था कि लास्ट टाइम भी 600 बिलियन डॉलर की बात हुई थी बच्चों ने एक मिनट में बता दिया कि बी थ्री डब्ल्यू नाम था उसका बिल्ट बैक बेटर वर्ल्ड तो अगर आप पढ़ रहे हैं छह महीने के अंदर चीजें रिवाइज होना शुरू हो जाती है साल भर के अंदर सम्मेलन वापस आने शुरू हो जाते हैं जब से चाहे आप तैयारी शुरू कर सकते हैं चीजों को लिखते चलिए शुरुआत में आपके नोट्स ज्यादा बन जाएंगे ज्यादा भर जाएंगे धीरे धीरे वो कम होने लग जाएंगे क्योंकि चीजें आपके दिमाग में रहने लग जाएंगी ठीक है ना तो उम्मीद है कि आपको ये बात भी आ, तरीके से क्लियर हो गई हो लाइव आने का इन्विटेशन देते रहे आगे बढ़ते हैं आज से विद्यार्थियों की सिफारिश पर हमने अपनी चाय में परिवर्तन कर लिया है आज से हम चाय ग्रीन टी वाली पी रहे हैं हाँ हालांकि ठंडी ये भी हो चुकी है आगे बढ़ते हैं साहब एक बहुत ही अच्छी इकोनॉमिक्स के हिसाब से न्यूज है और वो न्यूज क्या है टैक्स क्या है? है क्यों जानना जरूरी है ये? आइए मैं आपको तो बताता हूं दुनिया के अंदर एक संगठन है जिसका नाम है ऑक्स क्या नाम है ऑक्स इनके द्वारा हाल ही में एक सजेशन दिया गया क्या सजेशन दिया गया कि यदि दुनिया के देश विंडफॉल टैक्स लगा दें तो दुनिया के अंदर भुखमरी खत्म हो सकती है बढ़िया सवाल है तो स्टेटस क्या बनता है कि साहब दुनिया की भुखमरी खत्म हो सकती है यदि इस टैक्स को लगा दिया जाए कौन सा टैक्स विंडफॉल टैक्स आइए चर्चा करते हैं इस विषय के बारे में इकोनॉमिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनेगा ये क्योंकि एक छोटा सा कंसेप्ट आपको सीखना है जो कि हाल ही में बुचर के द्वारा द्वारा दिया गया जो कि उन्होंने अपने द्वारा एक स्टेटमेंट में कहा तो क्या है विंडफॉल टैक्स आज के सेशन में हम समझने का प्रयास करेंगे यदि ऐसा हुआ तो दुनिया को चार बिलियन डॉलर मिलेगा जिसकी वजह से फूड क्राइसिस खत्म हो जाएगा दुनिया के देश अगर इस काम को करने में कामयाब हो गए तो ये काम हो जाएगा चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं साथियों क्या है ये बात समझने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी उस राइटर के बारे में देना चाह रहा था पर स्लाइड मिली नहीं चलिए कोई नहीं सुनिए साथियों कहानी कुछ इस प्रकार से है जब आपने कोविड देखा कोरोना के काल में आपने एक चीज नोटिस करी होगी मैं ही पूछ लेता हूं आप अब रीकनेक्ट सक्सेसफुल करके आइए मौसम खराब हो रहा है क्या थोड़ी देर के लिए बफर आया था लेकिन फिलहाल के लिए सही है थोड़ा सा कॉपरेट करें आज सभी चीजों की परीक्षा हो रही है आवाज की भी परीक्षा हुई है आवाज के साथ साथ अब जो है इंटरनेट की भी परीक्षा हुई है लेकिन कोई बात नहीं सब चल रहा है मैनेज कर सकते हैं आप बताइए साथियों तो सवाल सिंपल सा पूछा था मैंने क्या कोरोना काल के अंदर सारी चीजें बर्बाद हो गई थी या फिर किन्ही चीजों के अंदर कमाई हुई थी अब बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को यह बात अच्छे से याद होगी और पता चल गया होगा कि कोरोना काल में जो सबसे ज्यादा पैसा कमाया था वो था दवा बनाने वाली कंपनियों ने सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियों ने कंप्यूटर हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियों ने और ऑयल कंपनियों ने क्यों क्योंकि उन्होंने बहुत सस्ते दामों पर तेल खरीद करके तेल बेचा था आपको जान के आश्चर्य होगा मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं। एक आप इंडिया की एक का नाम है ओ नाम है सी उम्मीद है आप सभी लोग जानते होंगे इसके द्वारा ऑयल एक्सप्लोरेशन का, का काम किया जाता है गैस एक्सप्लोरेशन का काम का किया जाता है जरा फिगर पढ़िए आप इसने नौ महीने के अंदर इकतीस हजार छियालीस करोड़ रुपए का 2021 22 में मुनाफा कमाया था कितना इकतीस हजार चार छत्तीस करोड़ रुपए का मुनाफा वो भी नौ महीने में ये देखिए कितना परसेंट ज्यादा था तुलनात्मक रूप से हर साल के 600 परसेंट ज्यादा मुनाफा है नंबर ये तगड़ा देख करके दिमाग झन्ना जाएगा क्या केवल ये इकलौती कंपनी थी जी नहीं ये तो भारत की महारत्न कंपनी है जिसका फिगर हमने दिखा दिया ऐसी जाने कितनी ही दुनिया की कंपनी है ऑयल गैस की कंपनी जिन्होंने इतना ही हजारों करोड़ में पैसा कमाया ऐसे ही दवा निर्माता कंपनी क्योंकि कोरोना की वैक्सीन एक भी कंपनी ने फ्री में नहीं बांटी सरकारों ने फ्री में भले ही बांटी हो लेकिन उन्होंने उसका बनाने का पैसा लिया है याद आ गया मॉडर्न ऑफ ऑर्डर ना खूब मालूम होगा आप लोगों को हैं अब बड़ा सवाल ये बनता है जब इन लोगों ने इतना पैसा कमाया इसका मतलब इनको एक आकस्मिक घटना का लाभ मिला टेक्निकली ये इतने हुनरमंद नहीं थे कि इतना पैसा एक ही बार में कमा लें भाई इतने सालों से बने हुए थे लेकिन एक ही बार में झटके से अमीर हो गए तो एक काम करो जो लोग एकदम झटके से अमीर हुए हैं ना उनको जो ये अप्रत्याशित लाभ हुआ है इसको कहते हैं विंडफॉल गेन विंडफॉल का मतलब होता है ए प्रत्याशित। हिंदी क्या है यानी कि कल्पना से परे इतना जबरदस्त काम बन गया तो जिनको इतना अप्रत्याशित लाभ हुआ है ऐसे लाभ वाले लोगों का क्या करिए टैक्सेशन कर दीजिए जिनके लाभ ज्यादा थे उनके ऊपर टैक्स भी ज्यादा लगा दीजिए तो आपको मालूम हो जाएगा कि 490 बिलियन डॉलर का आप टैक्स कलेक्ट कर लेंगे जो कि दुनिया की भूख मिटाने में कामयाब जाएगा यह किसका कहना है? कहना है तो है 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 ऑक्सफैम का ठीक तो ओएनजीसी की प्रेस रिलीज जो कि हम आपको दिखा रहे हैं हालांकि इससे आपका मतलब नहीं होना चाहिए कहने का कुल मिलाकर के मतलब यह है कि इस प्रकार की जो चीजें हैं वो आपको किस प्रकार से डिफरेंस क्रिएट करती है तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा तो विंडफॉल टैक्स क्या होता है इस टैक्स के लग जाने से टैक्स कब लगाया जाता है जिन्होंने अप्रत्याशित लाभ कमा लिया है मुनाफा कमा लिया है उनके ऊपर लगाया जाता है इससे फायदा क्या होता है गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता है सरकारी सर्विसेज जो है वो लोगों तक अच्छे से पहुंच पाती हैं साथ में इंटरेस्ट बेयरिंग जो कंज्यूमर है उस तक भी मुनाफा पहुंच पाता है और सही मायने में ऐसे लोगों पर टैक्सेशन लगना भी चाहिए जिन्हें आप लोग देखते हैं कि यार पहले तो इतना नहीं कमाते थे अचानक ऐसी घटना हुई आपको मालूम होगा आपके सराउंडिंग में बहुत सारे दवा बेचने वाले है ना ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस कोरोना काल में रात दिन का अंतर देख लिया बस कोरोना निकला उनकी एकदम मामला खत्म हो गया दवा बेच बेचकर काला बाजारी करके कई लोगों ने बड़े बड़े घर बना लिए दवाइयों का मतलब व्यापार किया ऑक्सीजन सिलेंडर रेमडेसिविर जो इस तरह के लोग है ना उन लोगों के ऊपर तो किस पर लगता है ये विंडफॉल टैक्स यदि कोई व्यक्ति लॉटरी से पैसा कमा जाए यानी किस्मत खुल जाए साहब एकदम पता चले लॉटरी में तो सौ करोड़ रुपए मिल गए

सुबह जगह तो पचास रुपए किलो हो गया आपके घर चांदी हो गई ऐसी डिसीजन बाय मैनेजमेंट अचानक मैनेजमेंट कोई ऐसा निर्णय ले ले कि कल के बाद यह माल बिकना ही बंद हो जाएगा आप पता चल रहा है रातों रात उस माल को बेच के अमीर हो गए ऐसी चीजों के ऊपर टैक्स जो मतलब लगता है उसको विंडफॉल टैक्स कहा जाता है ठीक है ना तो इस प्रकार से उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आ जाए अब एक बात बच्चा कमेंट बॉक्स में बहुत बढ़िया से लिख रहा है आप लोगों पर भी लगेगा उदाहरण के लिए पर समझ रहे हैं कि सेक्टर अपने आप में, ये मैं बोलना तो नहीं चाह रहा था, मैं सोच रहा था कि समझदारों को इशारा काफी होना चाहिए और आप लोग देखिए कितने समझदार निकले आप इस बात को समझ गए ना कि ऑनलाइन सेक्टर जो है उसने भी विंडफॉल गेन किया लेकिन फिर भी यह विंडफॉल कैटेगरी टैक्स में नहीं आएगा पूछो क्यों कारण यह है कि विंडफॉल कैटेगरी का जो गेन होता है छोटे समय का होता है थोड़े समय तक आया और फिर चला गया क्योंकि फिर सप्लाई वापस से सुधर गई अगर मैं मान कि चलूं ऑक्सीजन सिलेंडर रख करके जो आज बैठे हैं क्या उनके पास भी उतनी कमाई हो रही है जो कोरोना काल में हो रही थी क्या ओ की कमाई आज भी उतनी हो रही है जब उस दिन हो रही थी समझ रहे लेकिन जो मेरे जैसे एडुकेटर्स हैं या फिर ऑनलाइन पढ़ाने वाली कंपनियां हैं ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले लोग हैं उनका काम उतनी ही गति से अभी भी चल रहा है और भी आए दिन नई कंपनियां खुल रही हैं नई कंपनियां बन रही हैं मतलब समझ गए इस समय ने एक नया विकल्प तैयार किया लेकिन विंडफॉल यानी अप्रत्याशित नहीं था अप्रत्याशित इसलिए नहीं था क्योंकि वो एक जरूरी काम था जो किया जाना था जरूरी काम में आप कहेंगे दवा भी तो थी थी लेकिन आज भी दवा है लेकिन जरूरत तो नहीं है ना एजुकेशन की जरूरत आने वाले टाइम तक भी बनी रहेगी बात समझ में? तो इस प्रकार से आप चीजों को देख लें। फाइनली मैं ये डिफेंड करने में कामयाब हुआ कि हम पर टैक्स नहीं लगेगा आइए अरे ऑलरेडी बहुत दे रहे हैं भाई ठीक है तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात क्लियर हो गई होगी विंडफॉल क्या है और ये आ, इन्होंने ये सलाह दी है इनका नाम है गैब्रियल बिचर ये मतलब ऑक्सफैम इंटरनेशनल के अंदर काम करती है और इंस्टीट्यूशन है? है जो कि इस प्रकार से दुनिया भर के अंदर ग्लोबल मूवमेंट चलाता है लोगों के लिए भुखमरी वगैरह से मतलब लड़ाई करने के लिए ठीक है हो गया? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं क्लियर एक विद्यार्थी लिख रहे हैं सर आपकी गाड़ी पहले धक्के से चल रही थी अब फास्ट एंड फ्यूरियस चल रही है हाँ एक विद्यार्थी बच गए गुरु जी बच्चों को कितना मजा आता है ना टीचर की कहानी जानकर के मेरे बारे में कम से कम एक ख्याल तैयार करके रखिएगा मुझे अपने ऊपर इतना विश्वास है कि अगर कभी मैं समोसे कचौड़ी बेचने की दुकान भी खोल लिया ना तो भी मर्सिडीज मेंटेन कर पाऊंगा समझो रोजगार जो है ना वो सोच से होता है ये ध्यान रखना और दिमाग में ये चीज रखना कि आप सब लोग बेरोजगार या रोजगार इस सोच के ऊपर चल रहे हैं आज मैं इस सेक्टर में हूं इस सेक्टर में ज्यादा पुराना नहीं हूं बहुत नया हूं मैं इस ऑनलाइन के सेक्टर में और विशेष रूप से इस जीके वाले के अंदर मेरा लंबे समय तो केमिस्ट्री पढ़ाने में निकला है जो मेरे पुराने लोग होंगे जानने वाले उनसे मिलिएगा लगभग आठ दस साल मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई है आई आई जेई के सेक्टर में पढ़ाई है नेट जे के लिए पढ़ाई है जैम के लिए पढ़ाई है ठीक है ना और बढ़िया लेवल पे पढ़ाई है उसके बाद अचानक स्विच करके इस सेक्टर में एंट्री कर गया आदमी अपनी सोच से अमीर और गरीब होता है यह कहते हुए सुना होगा आपने आप इसको अपने ऊपर अप्लाई करके देखें अगर आपके अंदर यह जज्बा है कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं तो आप कभी भी गरीब नहीं रहेंगे ठीक है उम्मीद करिए अच्छा होगा चलिए आगे बढ़ते हैं हाँ जी दादी अकेले की तरफ आगे बढ़ते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट स्टोरी चल रही है हालांकि महाराष्ट्र के विषय पर डिस्कशन करने से इसलिए बच रहा हूं मैं क्योंकि फाइनल अभी कुछ निकला नहीं है एक शिंदे जी की कहानी बागी विधायक उधर गए हुए हैं इस बीच में एक इंपॉर्टेंट टाइटल डिस्कशन के अंदर आया is, की हो तो होलोन केस ये काफी इंपॉर्टेंट है ये स्टेट परीक्षाओं में मल्टीपल टाइम पूछा गया है सीधा सीधा नंबर के अंदर उठा के डाल दिया की हो तो होलोहॉन और जो की हो तो होलोहॉन नहीं जानते वो एंटी डिफेक्शन लॉ इसको काफी बार सुन चुके हैं दल बदल विरोधी नियम है ना दसवीं अनुसूची 1985 बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा है नहीं भी पढ़ा है कोई बात नहीं आज मैं पढ़ाऊंगा क्यों जरूरी है ये पहले जान लेते हैं ठीक है कहा के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ये हमारे जीएस पेपर टू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गवर्नेंस और इंडियन पॉलिटी के हिसाब से क्या है कहानी आइए मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारे साथियों 1992 के के अंदर की घटना है कि तो केस के बारे में बताने की लेकिन मैं उसको बाद में बताऊंगा उससे पहले आपको कुछ और बात बताता हूं जो आपको पहले समझ में आनी चाहिए देखिए महाराष्ट्र की कहानी आप सबको लमसम पता है और नहीं भी पता है तो अभी मत जानिए अभी इसलिए मत जानिए क्योंकि कुछ कंक्लूसिव नहीं हुआ है ना शिवसेना के सोलह बागी विधायक हैं कि बीस बागी विधायक हैं पार्टी रहेगी बनेगी नई शिवसेना बनेगी नई नहीं, नहीं बनेगी कौन कहा मिलेगा अभी स्टोरी चल रही है हम उसके अंदर कोई भी राजनीतिक मुद्दा यहां डिस्कस नहीं करने वाले हम यहां पर एक बेसिक मुद्दा डिस्कस करते हैं जिससे कि आप बहुत कुछ समझ पाएंगे इस विषय के बारे में थोड़ा सा इस तरफ देखिए मेरे प्यारे साथियों थोड़ा सा हम विषय को समझने से पूर्व आपको बताएं मान लीजिए कि के, मतलब दो सरकार के अंदर पार्टी देखिए आप सबको एक चीज तो बहुत अच्छे से मालूम है हम ये मानते हैं कि किसी लोक विधानसभा के अंदर मान लीजिए 200 सीटें हैं कितनी सीटें हैं कुल मिलाकर 200 सीटें हैं मैं क्यों बोल रहा हूं इसको भी समझ में आएगा अब 200 सीटों में हमने ये मान लिया कि एक तरफ 110 लोग हैं और एक तरफ 90 लोग हैं ठीक है सरकार बनाने के लिए 101 लोग चाहिए होते हैं सबको पता है भाई दो में से एक जिसके तरफ हुए उसकी सरकार बन गई तो एक सौ दस जिसके पास है वो तो ऑलरेडी सरकार बना रहा होगा इसको आपने कहा पक्ष और इसको आपने कहा विपक्ष इतनी बात भी हमको समझ में आ गई लेकिन अचानक विपक्ष का मूड फिरता है और वो मूड फिर के क्या करता है इसके दस से ज्यादा विधायक कितने ग्यारह विधायकों को तोड़ लेता है तोड़ने का मतलब क्या हुआ यहां से 11 विधायकों को अपने साथ में लिया और उनसे कहा कि सबको एक बढ़िया तो सी फेसिंग बंगला मिलेगा राजस्थान के अंदर राजस्थान में सी फेसिंग बंगला समझ के चलिएगा दूसरा आप सबको बढ़िया गाड़ी और बढ़िया पैसा सब मिल जाएगा आप लोग बस ग्यारह लोग आ जाओ बाकी को बाहर में जान दो यहां कितने लोग रह गए नाइनटी नाइन लोग रह गए ठीक है ये ग्यारह लोग भाई साहब इधर पहुंच गए आप मुझे ये बताओ जितनी वैल्यू अपोजिशन की नहीं थी उससे ज्यादा वैल्यू इन ग्यारह की है क्यों इनमें से कोई भी ग्यारह आ गए इनकी सरकार बन गई ये अपना मुख्यमंत्री बना के बैठ गए ये बात देश में बहुत ज़्यादा चला करती थी हरियाणा का एक केस बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था और उस केस का नाम था आया राम गया राम केस हरियाणा के अंदर एक विधायक थे उनके साथ ऐसा ही हुआ कि वो मॉर्निंग में किसी एक पार्टी के साथ थे तो उस पार्टी ने दावा पेश कर दिया कि मैं सरकार बना रहा हूं इवनिंग में वो किसी दूसरी पार्टी के साथ हो गए उस पार्टी ने दावा पेश कर दिया कि हम सरकार बना रहे हैं यानी जो व्यक्ति उनको लालच दे रहा था वो उस जगह पर चले गए तब आया राम गया राम की कहानी चलने लग गई अब ये जो आया राम गया राम की कहानी चलने लग गई इस स्थिति में 1985 में सारी पार्टियों ने खुद से ये डिसाइड किया कि यार ये तो पूरी की पूरी मजाक हो गई ऐसे तो कोई भी कहीं भी चला जाएगा सरकारी दंती बिगड़ती रहेंगी तो उस समय पर साथियों भारत के संविधान के अंदर एक संशोधन हुआ 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 और भारत के संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई जिसका नाम था दसवीं अनुसूची 10th अनुसूची यानी शेड्यूल 10th शेड्यूल जोड़ा गया और उस 10th शेड्यूल के अंदर कुछ बातें रखी गई क्या बातें रखी गई कि देखो अगर कोई व्यक्ति एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है तो उस पार्टी में जाने वाले विधायक की सदस्यता ही रद्द कर दो ध्यान से सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाली बात। सारी कहानी इसी पे टिकी हुई है कि वो तो होलोहन बाद में समझ में आएगा पहले ये जो दल बदल विरोधी अधिनियम है एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि मल्टीपल टाइम परीक्षाओं में पूछा जाता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या एक व्यक्ति इधर से इधर गया जान से सुनना इन 110 में से एक आदमी इधर गया स्पीकर से कहा गया स्पीकर मतलब समझ रहे विधानसभा अध्यक्ष उससे कहा गया यदि कोई एक विधायक एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है आयाराम, गयाराम प्रकार का कोई व्यक्ति है उसकी सदस्यता परमानेंट रद्द कर दो जीरो कर दो यानी विधायकी छीन लो उसकी एक प्रकार से इसका नुकसान हो गया इसके 109 बच गए फिर साहब दूसरा व्यक्ति भी गया रद्द कर दो तीसरा भी गया रद्द कर दो साथियों लेकिन एक तिहाई अगर चले गए एक तिहाई का मतलब कितना हुआ तीन तिया नौ और दो तिछिंग अट्ठारह छत्तीस लोग अगर मान करके मान सैतीस लोग निकलकर इधर चले गए कितने थर्टी सेवन कितने में से हैं ये एक तिहाई नंबर हो गया इसका ठीक है 1985 में ये कहा गया कि यदि किसी एक पार्टी के एक तिहाई सदस्य निकलकर दूसरी पार्टी में चले जाएं, तो इसको दल बदल के अनुसार गलत नहीं माना जाएगा इतनी बात समझ में आ गई? तो साहब कोई बात नहीं लोग एक तिहाई को खरीदने लग गए अपोजिशन वाले जो हैं, इन्होंने 11 की जगह इस बार 36 को खरीद लिया कि बेटा तुम आ जाओ तुम्हें खरीद लेंगे सैंतीस को खरीद लेंगे थोड़ा सौदा ज्यादा हो गया सरकार तो फिर भी गिरा दी मामला फैल गया बोले यार ये एक तिहाई पे पार नहीं पड़ रही तो बोले फिर क्या करें बोले इस मुद्दे में संशोधन करो और इसको बनाओ दो तिहाई दो तिहाई का मतलब क्या हुआ कि इनमें से दो तिहाई लोग अब दो तिहाई कितना हुआ तीन तिया नौ अठारह सेवनटी टू सेवनटी फोर यदि सेवनटी फोर लोग चले जाएंगे तो ही जाकर के इस दल बदल को दल बदल को अलाउ माना जाएगा अदरवाइज उसे अलाउ नहीं माना जाएगा आई बात समझ में इस प्रकार का संशोधन किया गया किसमें एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आ जाए यह संशोधन कब हुआ 2003 के अंदर संशोधन हुआ और ये कहा गया कि एक तिहाई पे काम नहीं चलेगा दो तिहाई होगा तो काम चलेगा आज जो महाराष्ट्र की स्थिति है उस महाराष्ट्र की स्थिति में शिवसेना के बागी विधायक जिनका नंबर लगभग 16 है शिवसेना की ओरिजिनल स्ट्रेंथ 56 है उसमें से 16 विधायक अगर बागी है तो नियमानुसार जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया एक तिहाई विधायक इधर से उधर गए हैं तो इसका मतलब उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है जब उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है तो ये करता कौन है क्या मेंबरशिप रद्द तो आंसर है स्पीकर करता है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर ये शक्ति किसको दी गई विधानसभा के स्पीकर को यह शक्ति दी गई कि स्पीकर सदस्यता रद्द कर सकता है अब बड़ा सवाल सर स्पीकर तो सामान्यतया मेजोरिटी पार्टी का होता है मेजोरिटी मतलब जिसके 110 मेंबर थे सर अगर स्पीकर ने निर्णय दुर्भावना से दे दिया तो तो बोले ऐसी स्थिति में भी स्पीकर का ही निर्णय मान्य होगा यह बात की हो तो होलोहोन को पसंद नहीं आई कि वो तो नागालैंड के विधायक थे 1992 में उनको ये बात पसंद नहीं आई। वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए को। बोले, बोले, विधायक नहीं वो विधायक नहीं बोले कैसे बोले आपका जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो ये भी कहता है कि यदि किसी विधायक ने विप नहीं माना विप का मतलब मुख्य सचेतक के द्वारा दिया गया जो आदेश है अगर वो नहीं माना तो भी आप सदस्यता रद्द कर सकते हैं यदि किसी विधायक ने अपनी पार्टी की एकता नहीं मानी तो भी उसकी विधायकी रद्द कर सकते हैं तो बोले ऐसे तो विधानसभा तो क्या मेरे श्रीमान ये बात मान ली जाए माननीय सुप्रीम कोर्ट कि विधानसभा स्पीकर आपसे भी ऊपर है यानी सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है सुप्रीम कोर्ट को अचानक लगा कि हाँ यार ये तो ललकार दिया हमको सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई कैसे हो सकता है स्पीकर में यह शक्ति कहां से हो सकती है कि उस विधायक ने बात नहीं मानी तो उसको निकाल दो बोले ना ना ना, ना। न्याय का अधिकार तो तो केवल सुप्रीम कोर्ट के के पास होना चाहिए तो ऐसी स्थिति में 1992 के अंदर एक लैंडमार्क डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि जो प्रक्रिया फॉलो करेगा विधानसभा स्पीकर उसके ऊपर तो हम प्रश्न खड़ा नहीं करेंगे लेकिन विधानसभा स्पीकर के द्वारा लिया गया फैसला एब्सोल्यूट नहीं माना जाएगा एब्सोल्यूट का मतलब जो कह दिया वही होगा यानी वचन ही है शासन ये नहीं होगा ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के पास में उस पुराने फैसले की समीक्षा करने की शक्ति होगी यानी विधानसभा के स्पीकर के फैसले को पलटा जा सकता है यह है कि हो तो होलोहोन केस परीक्षाओं में इसका बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस है कृपया करके आप इसे याद कर लें कि हो तो होलोहोन वर्सेस जकाहिलुको केस नागालैंड के विधायक थे कुल मिलाकर बात यह है कि स्पीकर की बातों को ही डज नॉट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल बॉडी मतलब कि ये अपने आप में न्यायपालिका नहीं है ठीक है उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ गए हो क्लियर है समझ में आ गया कि हो तो होलोहॉर्न की कहानी क्या है आगे बढ़े ये सारी बातें लिखित में मैंने यहां दे दी हैं जो कि क्लास पूरी होने के बाद टेलीग्राम पर डाल दी जाएंगी आगे बढ़ते हैं साथियों यह न्यूज पढ़ा तो रहा हूं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आज रात को ही जाकर के नमक की थैलियां खरीद के बैठ जाएं। ऐसे हुआ था एक बार एक बार की बात है आ, सायद तीन चार साल पहले की बात है किसी ने फर्जी न्यूज उड़ा दी कि नमक की किल्लत आ गई है और भाई साहब लोगों ने जो है घर में कट्टे भर भर के नमक रख लिया पता चल रहा है दुकानों पर रात रात भर दुकानें खुल रही हैं नमक रहा है बोले भाई साहब नमक खत्म हो गया मार्केट में से नमक की सप्लाई बाधित हो गई है और दे धमाल दस का नमक बीस में बीस का चालीस में चालीस का अस्सी में डबल डबल वही विंडफॉल गेन वाली स्थिति हो गई रात, है है ना तो आप सबसे गुजारिश कि ऐसा ना समझ लें लेकिन फिर भी समझे जरूर नमक क्षेत्र में संकट आ रहा है दिक्कत है नमक प्रोडक्शन के अंदर क्योंकि नमक पैदा करने वाले जो किसान हैं वो अपनी कुछ मांगों को लेकर के सरकार से डिमांड कर रहे हैं क्या है नमक क्षेत्र की दिक्कतें आज के सेशन में ये क्षेत्र डिस्कस करेंगे नमक का भारत में क्या कंट्रीब्यूशन है ये डिस्कस करेंगे नमक खाने के अलावा भी कई उपयोग में आता है क्या यह भी डिस्कस करेंगे साथ में नमक के उत्पादन में भारत का क्या स्थान है तमाम बातों के बारे में आज के सेशन में जिक्र करेंगे ठीक है? आइए समझते हैं नमक क्षेत्र में संकट है सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि नमक के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है आंसर है थर्ड भारत दुनिया के अंदर तीसरे स्थान पर आता है नमक उत्पादन में अभी रिसेंटली क्या हो रहा है कि सॉल्ट सेक्टर के अंदर जहां पांच लाख लोग गुजरात में नौकरी करते हैं उन लोगों को क्राइसिस फील हो रहा है संकट फील हो रहा है गुजरात में ही क्यों हो रहा है गुजरात से ही कोई बात शुरू क्यों हो रही है और गुजरात की न्यूज से हमें क्या फर्क पड़ना चाहिए पढ़ना चाहिए गुजरात की न्यूज से आपको फर्क इसलिए पड़ना चाहिए क्योंकि भारत के कुल नमक का 80 प्रतिशत नमक गुजरात ही पैदा करता है शायद यहां से क्लियर भी हो जाएगा कि गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की थी क्योंकि अल्टीमेटली गुजरात के अंदर ही नमक का सबसे बड़ा कारोबार है भारत में लगभग पांच लाख लोग नमक के उत्पादन में लगे हुए हैं आप में से हो सकता है कई कलाकार यही ना जानते हो कि नमक का उत्पादन कैसे होता है तो उनकी सहूलियत के लिए मैं बता दूं पहले तो फैक्ट जान लीजिए कि इंडिया सत्तर परसेंट मतलब जो इंडिया का टोटल सॉल्ट है वो सी सॉल्ट है यानी कि हम लोग समुद्र से नमक बनाते हैं गुजरात में समुद्र की सीमा है इसलिए हम बनाते हैं गुजरात तमिलनाडु आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटक उड़ीसा वेस्ट बंगाल गोवा और राजस्थान राजस्थान के अंदर सॉल्ट लेक्स हैं सांभर का नमक काफी फेमस है वहां से नमक बनकर आता है गुजरात 28.5 मिलियन टन सॉल्ट प्रोड्यूस करता है जो कि कंट्री के कुल सॉल्ट का 80 परसेंट है दुनिया में बात की जाए सबसे ज्यादा सॉल्ट पैदा करने की तो अमेरिका और चाइना का नंबर आता है बड़ा सवाल बनता है सर अमेरिका और चाइना नमक पैदा करते हैं इसका मतलब ज्यादा नमक खाते हैं क्या ये लोग जी नहीं नमक का उत्पादन करने के बाद उसका उपयोग केमिकल के रूप में भी होता है अगर आज आप कोई भी इंडस्ट्री जैसे कि इस जो खाल के ऊपर जैसे खाल से खाल से की गंदगी हटाने वाली जो होती है ना लेदर इंडस्ट्री जो होती है उसमें नमक का उपयोग होता है नमक का उपयोग आपके फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर होता है केमिकल्स के निर्माण के अंदर होता है है ना तो ऐसे नमक का और भी क्षेत्रों में उपयोग होता है इसलिए ये देश नमक उत्पादन में सर्वोपरि चल रहे हैं ऐसी स्थिति में अब सवाल क्या हो रहा है उसके बारे में हम चलेंगे लेकिन थोड़ा सा आपको मैं ये बात बता दूं नमक जब हम सातवीं अनुसूची के अंदर बात करते हैं विषयों की केंद्रीय सूची विषय राज्य सूची विषय समवर्ती सूची विषय अवशिष्ट सूची के विषय तो ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है मतलब केंद्र के पाले में इसकी गेंद पड़ी रहती है भारत में जो नमक पैदा किया जाता है वो समुद्र से किया जाता है झील से जैसे सांभर झील से किया जाता है सब सॉइल जमीन के नीचे से खोद करके जो आप नमक जिसे बोलते हैं, नमक करने वाले देशों की बात करें तो उसके अंदर चाइना यूएस इंडिया ये देश टॉप पर रहते हैं कभी यूएस नंबर वन हो जाता है तो कभी चाइना टॉप पर आ जाता है इन देशों के उत्पादन से सबसे बड़ा लाभ जो होता है वो इंडस्ट्रीज को होता है वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो दुनिया के अंदर जो है वो लगभग 200 मिलियन टन नमक पैदा होता है नमक पैदा करने के तरीके क्या होते हैं पहला तरीका समुद्र से पानी निकला उसको खेतों में भर के रख लेते हैं खेतों में भरने का मतलब कभी आप गए हो नमक बनता हुआ देखा हो तो होता क्या जैसे हमारे राजस्थान के अंदर एक चीज गजब की प्रसिद्ध है मैं तस्वीर अभी दिखाने की स्थिति में नहीं हूं सामर लेक के अंदर क्या होता है हमारे राजस्थान के अंदर जयपुर अजमेर के साथ में जुड़ी हुई सांर लेक है वहां पर पानी बहुत ज्यादा खारा है और उसमें नमक पैदा होता है और नमक जहां पैदा होता है वहां पर एकदम सफेदी हो जाती है। तो, नमक होता है तो शादी से पहले की आजकल जो प्री प्री वेडिंग वेडिंग शूटिंग है ना प्री का मतलब समझ रहे शादी से पहले आजकल फोटो खिंचाने का शौक तगड़ा चल रहा है अब प्री वेडिंग शूटिंग के अंदर लोग जो है वो सांभर लेक में जाके फोटो खिंचाते हैं उससे क्या लगता है ये बर्फ पर खड़ा होकर फोटो खिंचा रहे हैं यानी सस्ती बर्फ के रूप में लोग उसका उपयोग कर रहे हैं सांभर के अंदर जहां पर नमक का प्रोडक्शन होता है एनीवे तो क्या है सोल्ट कैसे बनाते हैं तो पानी जो है ना उसको खाली खेतों में ले लिया जाता है खारे पानी को और सूरज की रोशनी में पानी को इवॉपरेट होने दिया जाता है तो पानी एवॉपरेट हो जाता है जमीन पर नमक बच के रह जाता है फिर उसको इंडस्ट्री के अंदर ले जाकर के उसके अंदर की अशुद्धियां मिटा करके फिर पैकेट पैक करके दे दिया जाता है दूसरा तरीका है रॉक सॉल्ट माइनिंग का यानी कि खान खनिज में से निकाल करके रॉक सॉल्ट की माइनिंग कर ली जाती है माइनिंग का तरीका आपसे डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है तीसरा है वैक्यूम इवापोरेशन मेथड यानी कि पानी को लिया मशीन में डाला पानी को गर्म करके इवापोरेट कर दिया क्योंकि जिस जगह सोलर नहीं पहुंचेगी सनलाइट नहीं पहुंचेगी वहां पर गर्म करके भी तो पानी उड़ाया जा सकता है और नमक प्राप्त कर लिया जाता है तो फिर दिक्कत क्या है सोल्ट सेक्टर के अंदर दिक्कत क्या आ रही है दिक्कत क्या आ रही है ना कि जो भारत के अंदर इंडियन सोल्ट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है उसका कहना है कि भाई आप लोग हमारे को फार्मर काउंट क्यों नहीं करते आप हमें श्रमिक काउंट करते हैं नमक पैदा करने वालों को जबकि नमक भी खेत से ही पैदा हो रहा है असल में पानी को खेतों में सुखा करके फिर नमक पैदा किया जाता है नमक पैदा करने वाले जो किसान हैं उनको किसान ना कहकर आप लेबर कहते हो इस वजह से उन्हें किसानों को मिलने वाले लाभ नहीं मिलते जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलता किस बात का नमक उत्पादन का नमक उत्पादन का, का मिनिमम मतलब तो लिया, लिया है और वो लोग को बुलाते हैं जो कि अन्य राज्यों से चल के गुजरात आते हैं ऐसी स्थिति में जो लोकल लेवल पर रहने वाले लोग हैं उनके हितों का संरक्षण नहीं होता है कहने का मतलब यह है कि नमक का उत्पादन तो होता है लेकिन उत्पादन करने वाले लोगों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता जिसकी वजह से उन्हें अपनी जीवन से क्षति हो जाती है इसी प्रकार से माइनिंग जो है है उससे मात्र 0.5 सॉल्ट पैदा होता ऐसी स्थिति में सॉइल प्रोड्यूसर जो है जो अपने जीवन की कीमत पर सॉइल प्रोड्यूस कर रहे हैं उन्हें फार्मर्स की तरह ट्रीट किया जाए उनको भी वो सारे लाभ या मुनाफे मिले जो किसानों को मिलते हैं और मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले ताकि सॉल्ट का उत्पादन करने वाले लोगों का जीवन सही हो सके उनको सोशल सिक्योरिटी और सही प्रकार के वेजेस प्राप्त हो सके इस वजह से ये डिमांड चल रही है और इस डिमांड के चलते ही क्राइसिस बना हुआ है ठीक है ना भारत में कितना एक्सपोर्ट कितना इंपोर्ट होता है ये तो सब आपके सामने फैक्चुअल डेटा है उम्मीद है आज के सेशन के अंदर आपको जो जानकारी प्राप्त हुई वो पर्याप्त रही होगी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक जरूर करें सभी साथियों से इसे जरूर जरूर शेयर करें ठीक है इसके बाद में जो अन्य क्वेश्चन है क्वेश्चन लेकर पंद्रह तक के जो क्वेश्चन है वो वन लाइनर क्वेश्चन है आप उन वन लाइनर क्वेश्चन को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में याद कर सकते हैं उनको आप हमारी क्लास के खत्म होने के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर प्राप्त कर लेंगे फिलहाल के लिए एक जरूरी जानकारी आप ये प्राप्त कर लीजिए मेरा रेफरल कोड अंकित टेन यूज करके आप अनकेडमी पर कोर्स के दस परसेंट का डिस्काउंट प्राप्त करते हैं साथ में ये दस परसेंट के स्थान पर एसएससी और यूपीएससी कैटेगरी में तीस तारीख तक ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है क्योंकि अनलॉक ट्वेंटी ऑफर चल रहा है इस अनलॉक ट्वेंटी के अंदर यूपी एस कैटेगरी के अंदर आपको सत्तावन रुपए के अंदर एक साल का सब्सक्रिप्शन मिलता है आइकॉनिक अड़सठ रुपए के अंदर मिलता है आइकॉनिक के अंदर क्या होता है आपको आपको कुछ स्पेशल फीचर्स अलग से दिए जाते हैं जैसे रेज हैंड का 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 फीचर 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 है फीचर है 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 क्वेश्चन पूछने डाउट डिस्कशन करने वही यूपीएससी कैटेगरी के के अंदर प्लस प्लस कॉम्बो मतलब मेंस और ऑप्शनल तीनों मिलाकर कोर्स 18 महीने रुपए में दिया जा रहा है इसके लिए आप इजी उपलब्ध करवाई जा रही है तीस तारीख तक यदि आप में से कोई भी यूपीएससी कैटेगरी के, के अंदर कोर्स लेना चाह रहा हो तो इसका जरूर लाभ लें किसी भी प्रकार की के लिए, हमारी टीम को पर लोन संबंधी फैसिलिटी के लिए कॉल करके आप अपनी ईएमआई की भी व्यवस्था करवा सकते हैं साथियोंडमी पर बेस्ट एडुकेटर्स की टीम आपके लिए कोर्स डिजाइन करती है 1 प्रिलिम्स ऑफ सीसेट की अन अनअकैडमी पर ऑलरेडी टेस्ट सीरीज चल रही है वन टू वन मेंटरशिप के साथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी उपलब्ध है आप इन्हें यूज कर सकते हैं उम्मीद है कि आप अपने लिए बेस्ट ऑप्शंस जरूर सेलेक्ट करेंगे फिलहाल के लिए इतना ही अपना ख्याल रखें बड़ों का सम्मान करें छोटों को प्यार दें अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि सब एक दूसरे के साथ सुरक्षित महसूस करें धन्यवाद